हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के बीच में आए हुए खटास के बारे में, जो कि इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिससे न केवल भारत और कनाडा के बीच व्यापार के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अवरोध दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक खालिस्तानी आतंकवादी के हत्या का आरोप लगाया हुआ है और इस बात से भारत को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये मुद्दा कहां से उठा। ये कहानी शुरू होती है 18 जून से, जिस दिन एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये बात 2 महीने बाद कब उठती है, जब भारत में G20 सम्मेलन होना शुरू होता है। उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत आते हैं और उनके देश से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां से उनको लगता है कि निज्जर को मारने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है और इस बात को भारत भी नहीं मान रहा, क्योंकि भारत ने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो वो क्यों इस बात को माने कि उसने निज्जर की हत्या करवाई हुई है। आपको बता दें, हरदीप सिंह निज्जर एक जाना माना आतंकवादी था जो कि एक खालिस्तानी था। लेकिन ये खालिस्तानी वास्तव में क्या होता है, इसे भी हम लोग जानते हैं। खालिस्तान का मतलब होता है खालसाओं का देश, यानी कि जहां पर खालसा लोग राज करते हैं। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि खालिस्तान की स्थापना कब हुई थी। आपको बता दें, खालिस्तान की स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी जगजीत सिंह चौहान ने। आपको बता दें, 1969 में जगजीत सिंह चौहान पंजाब से ब्रिटेन चले गए थे और वहां पर जाने के बाद उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की, जिसके बाद से वहां पर खालसाओं का राज स्टार्ट हुआ और ये बात आगे बढ़नी स्टार्ट हुई और वहां से कुछ आतंकवादी पैदा होने लगे। लेकिन बात यहां पर खत्म न करते हुए हम लोग ये जान लेते हैं कि खालिस्तान की स्थापना की ही क्यों गई थी। आपको बता दें, खालिस्तान की स्थापना इसलिए की गई थी जिससे कि सिख लोगों को भी एक धर्म या एक वर्ग मिल सके, और इसलिए सिख लोग इस चीज की डिमांड करते हैं। आपको बता दें, आजादी के बाद भारत अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन इस बात से पंजाब के लोग खुश नहीं थे। वे लोग अपना एक अलग प्रदेश बनाना चाहते थे और इसके जो मुखिया थे वो थे तारा सिंह। जी हाँ, जो हमें गदर में तारा सिंह का किरदार दिखाया गया था, शायद वही तारा सिंह यहाँ पर अपना रोल निभाते हैं। और वो डिमांड करते हैं कि पंजाबी लोगों को एक अलग राज्य दिया जाए, जिसकी वजह से पंजाब राज्य की स्थापना होती है और इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसका आधा हिस्सा भारत में रह जाता है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। और इस तरीके से ये लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ हिंदू पंजाबी होते हैं और कुछ मुख्य पंजाबी होते हैं, तो इन लोगों में भी झगड़ा छिड़ता है और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू पंजाबियों को अलग रखा जाए और मुख्य पंजाबियों को अलग रखा जाए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दोनों से मिक्स हैं तो उनको अलग रखा जाए। जो कि पंजाबी और हिंदी बोलने वाले थे उनको पंजाब में रखा गया था, जो लोग हरियाणवी और पंजाबी बोलते थे उनको हिमाचल प्रदेश में रखा गया था, और कुछ हरियाणवी लोग थे जिन्हें कि हरियाणा में रखा गया था। लेकिन यहाँ पर फिर राजधानी की बात आती है, तो इन दोनों राज्यों के बीच में चंडीगढ़ एक मुख्य पड़ता है, तो यहाँ पर भी एक विवाद सा खड़ा हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के कहने पर ये लोग मान जाते हैं और चंडीगढ़ को 2 राज्यों की राजधानी बना दिया जाता है, यानी कि अब चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी बन चुका था। और इस तरीके से खालिस्तान की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि खालिस्तानी आतंकवादी को मारने पर जस्टिन ट्रूडो को इतना ज्यादा क्रोध क्यों आ जाता है और वो डायरेक्ट भारत के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं। हालांकि भारत के एक्शन लेने के बाद ट्रूडो थोड़ा नरम पड़े हैं और अपनी बातों को बदल रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मेरा उद्देश्य भारत को उकसाना नहीं था, यानी कि उनको भी भारत के रुष्ट हो जाने से थोड़ा तकलीफ हो रही है। क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है भारत और कनाडा के बीच के व्यापार के बारे में, यानी कि भारत और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा आयात निर्यात होता है, जो कि कुछ मायनों में भारत को भी फायदा पहुंचाता है और बहुत ज्यादा मायने में कनाडा को भी फायदा पहुंचाता है। और इसके लिए ट्रूडो ने इस तरीके से कहा था कि किसी भी देश के नागरिक को, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई भी हो, उसको किसी दूसरे देश का इंसान या कोई दूसरा आदेश देकर उस व्यक्ति को नहीं मरवा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जिस देश का नागरिक है उस देश की बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। और इसी बात से जस्टिन ट्रूडो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ये आरोप भारत के ऊपर लगा देते हैं। और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कनाडा ने भारत के राजनयिक को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। हालांकि इसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को अपने देश से बाहर निकाल दिया है और अब कनाडा में रहने वाले छात्रों को भी वहां से निकालने की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत के द्वारा भी उनके राजनयिक को देश से निकालने के बाद उनके देशवासियों को भारत में रहने की अनुमति न देने की वजह से कनाडा थोड़ा सहमा हुआ है और वो इस बात से शायद समझौता कर रहा है कि वो वहाँ के विद्यार्थियों को परेशान नहीं करेंगे, वो अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी कर सकते हैं।
हालांकि आयात निर्यात में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रूडो नरम होते दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये संबंध बना रहे और हमारा आयात निर्यात चलता रहे। तो क्या लगता है आप लोगों को कि कनाडा और भारत के बीच में फिर से एक संबंध स्थापित हो पाएगा और ये फिर एक सामान्य तरीके से मित्र देश बन जाएंगे और इनके बीच में आयात निर्यात स्टार्ट हो जाएगा? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।